हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम रुचिका। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये मेरा लिविंग रूम है और मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यहाँ अमेजोन से बाई करे। यहाँ मैंने सारे प्रोडक्ट्स 1000 रुपीज़ के अंडर ही लिए। इवन आप जो मैक्रामे का वॉल हैंगिंग देख रहे हो, ये तो लिटरली 150 रुपीज़ का ही है। लेकिन यहाँ सबसे महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ट्राईपॉड लैम्प आपको दिख रहा है, ये 2799 का पड़ा मुझे। और यहाँ मैंने जो टीवी यूनिट ख़रीदा, ये मुझे 4000 का पड़ा, जो कि फिर भी मुझे रीज़नेबल लगा। यहाँ जो आप शू रैक देख रहे हो या फिर जो सोफ़ा और सेंटर टेबल आप देख रहे हो, ये सिर्फ मैंने नॉर्मल फर्नीचर के स्टोर से लिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से ही ख़रीदी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ये प्लांटर मुझे 500 का पड़ा, जो एज इट इज़ मुझे रिसीव हुआ है। और ये जो टीवी यूनिट आप देख रहे हो, ये 4000 अराउंड मुझे चार्ज करा, और ये भी मुझे एज इट इज़ ही रिसीव हुआ। और बस मुझे यहाँ थोड़ा इंस्टॉलेशन करना पड़ा उससे। ये मैक्रामे का मिरर मुझे 900 रुपीज़ कॉस्ट करा, ये भी जैसा दिख रहा है एज इट इज़ मुझे रिसीव हुआ था। मैं सबके लिंक्स में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। ये 3D वॉल मुझे पर पीस 199 का पड़ा, मैंने 10 पीसेस खरीदे थे। और ये देख सकते हो आप, इंस्टॉलेशन इसका काफ़ी इजी था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ही लगा लिया इसे। और ये लाइट्स मुझे 349 का पड़ा, और ये भी आप देख सकते हो, ये वॉल पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका भी इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी था। और ये जो बुद्धा की वॉल पेंटिंग आप देख रहे हो, ये मुझे 449 का पड़ा। अमेज़ॉन के जितने भी प्राइजेस हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, आप कोशिश करना कि आप सेल के टाइम पर लो, ये इसका प्राइस वैरी करता है। और ये ट्राईपॉड मैंने 2799 का लिया था, ये मुझे थोड़ा कॉस्टली तो लगा था, लेकिन अगेन इसके प्राइजेस भी घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन आप चेक करते रहना। ये जो आप डेकोरेटिव पीसेस देख रहे हो, ये मैंने बंजारा मार्केट जो गुड़गांव में है, मैंने वहाँ से लिया था। उसके भी हॉल्स मेरे चैनल में मिल जाएंगे, मैं वहाँ का लिंक भी डाल दूँगी। और ये जो मैक्रामे का वॉल हैंगिंग है, ये भी मुझे 400 ही कॉस्ट किया। ये मैंने 2 का सेट लिया है और ये भी काफ़ी अच्छा था। ये जूट का मैट था, ये काफ़ी छोटा मैट था, मैंने इसे सेंटर टेबल पे डेकोरेशन के लिए रखा था, जो कि काफ़ी सुंदर भी लग रहा है वहाँ पे। ये वॉल हैंगिंग तो मुझे सिर्फ 150 रुपये कॉस्ट करे। ये 7 फीट का कर्टन मुझे 900 का पड़ा। मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।